सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय की प्रोफेसर सुमित्रा सिंह ने दिग्विजय नाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय का प्राचार्य पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने से पूर्व प्रोफेसर सुमित्रा सिंह ने सभी शिक्षकों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मार्कंडे सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा। इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह, प्राचार्य दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, प्राचार्य महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज जंगल धूसर डॉक्टर प्रदीप राव, पूर्व प्राचार्य दिग्विजय नाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय और अध्यापक उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नवनियुक्त प्राचार्य प्रोफेसर सुमित्रा सिंह ने कहा। विद्यालय में पठन पाठन शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में पहली प्राथमिकता होगी कि शिक्षा का यहाँ के शिक्षक अब तक जो यहाँ पर शिक्षण कार्य करते रहे हैं वो पूरी निष्ठा और तन्मयता के साथ इस महाविद्यालय को के नाम को रोशन करेंगे और हर शिक्षक पूरी तन्मयता और कर्मठता के साथ यहाँ के हर कार्य में पूरा सहयोग करेगा। और मेरा प्रयास होगा यहाँ के पूरे
शिक्षण कार्य से संबद्ध और कार्यालय संबद्ध सबको साथ लेकर चल करके और पूरे इस महाविद्यालय को नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता को पूरा बनाए रखने के लिए, शिक्षकों का जो भी उनकी समस्याएं रहेंगी उसके त्वरित निस्तारण के लिए, कि किसी को भी कोई मुझसे समस्या न हो, हर किसी को मुझसे अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होगी, एक परिवार की तरह से इस संस्था को चलाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने मुझे जो आज दायित्व दिया है, मेरा पूरा विश्वास है कि ईश्वर उस कार्य में मदद करेगा कि सबको साथ लेकर, क्योंकि सबको साथ लेकर चलने में ही भलाई है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर हमारे अनेक विद्यार्थी हैं जो शिक्षण कार्य संपादित कर रहे हैं, वो पूरा स्टाफ यहाँ मेरा सहयोग करेगा, क्योंकि ये गोरक्ष नगरी है और बाबा गोरखनाथ की मेरे ऊपर कृपा है, क्योंकि एक दिन भी मुझे बैठने का अवसर नहीं मिला और दूसरे दिन ही उन्होंने अपने संस्थान से जोड़ लिया, तो इसका मतलब मेरे ऊपर, मैं अनुभव करती हूँ, विश्वास है कि शायद ईश्वर की कृपा वृष्टि हुई है और वो मुझे ऊर्जा देंगे, शक्ति देंगे कि मैं इस संस्था को ऊंचाई तक ले जाने का पूरा प्रयास करूंगी, और यह संस्था मेरे सेवा के लिए है कि मैं इस संस्था में इस तरह से सेवा करूं कि समाज में एक संदेश जाए कि मैं प्राचार्य नहीं नित हूँ, मैं एक सेवक के रूप में इस संस्था को हर संभव अपनी पूरी ऊर्जा तन मन धन से इस संस्था को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग करूँगी।